कक्षा 9 संस्कृत आज नया पाठ है 5वां नारी महिमा। पाठ का शीर्षक ही है नारी महिमा। नारियों की महिमा का स्मरण किया है, यानी प्राचीन काल से नारियों का सम्मान होता आ रहा है। यहां तक कि कहा गया है कि नारियों का जहां सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करते हैं, और जहां इनका अपमान होता है वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। देखिए पहले श्लोक में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र माने जहां नारियः तु पूज्यन्ते, जहां नारियां पूजी जाती हैं। पूजने का मतलब उनके सम्मान करने से, उनका सम्मान करने से। तो जहां पर नारियां पूजी जाती हैं अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते माने रमण करते निवास करते हैं, तत्र माने वहां देवता, वहां देवता लोग निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता देवताओं का निवास होता है। दूसरी लाइन है कि यत्रैतास्तु, यत्र एताः सन्तु, जहां पर एता हमारे इन सबका है नारियों का न पूज्यन्ते, नहीं सम्मान होता है, जहां पर इनका सम्मान नहीं होता है। सर्वाह तत्र अफला क्रिया, तत्रा लिखा है तत्र धन अफला, सर्वाह तत्र अफला क्रिया, वहां की सभी क्रिया जो है अफला निष्फल हो जाती है, उन क्रियाओं का कोई फल नहीं मिलता। तो अब देख लीजिए एक बार फिर, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, तत्र देवता रमन्ते, वहां देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, और जहां इनका सम्मान नहीं होता है, एता माने सबका, इनका न पूज्यन्ते नहीं सम्मान होता है, तत्र सर्वाः अफलाः क्रियाः, वहां की सभी क्रियाएं जो है निष्फल। पहले श्लोक का हो गया, दूसरा नहीं, स्त्रियायाम तू रोजमानायाम, यानी स्त्रियों के रुचकर होने पर, अच्छा लगने पर, स्त्रियां तू रोजमानायाम, यानी स्त्रियों के रुचकर लगने पर, अच्छा लगने पर, सर्व तद रोदते कुलम, वह पूरा कुल माने खानदान अच्छा लगता है। स्त्रियों के सुंदर लगने पर वह पूरा खानदान ही अच्छा लगता है। जिस घर की, जिस गांव की स्त्रियां स्वच्छ रहती हैं, प्रसन्नचित रहती हैं, तो वह घर अच्छा लगता है, वह खानदान अच्छा लगता है, वह गांव अच्छा लगता है। तो वही कह रहा है कि यहां पर स्त्रियों के, मतलब स्त्रियों के अच्छा लगने पर वह पूरा खानदान ही अच्छा लगता है। अब तस्यां तु धन और रोजमानायाम, और उनके और रोजमानायाम माने और रुचकर होने पर, अच्छा न लगने पर, सर्वमेव न रोचते, सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब स्त्रियां प्रसन्नचित नहीं रहती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो सब कुछ जो है अच्छा नहीं लगता। एक बार सुन लीजिए कि स्त्रियों के अच्छा लगने पर वह पूरा खानदान अच्छा लगता है, और उनके और रोजमानायाम अच्छा न लगने पर सर्वे सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो चलिए, तो आज जो है दो स्त्रियों के इस बात का बताए से जो है अगले दिन। धन्यवाद, ध्यान से पढ़िए।